डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ना। जैसे कि जानते हैं आप, हम लोग पिछले क्लास तक के हम लोग पढ़े थे 12th फिजिक्स में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण आंतरिक परावर्तन को इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में TIR कहते हैं। TIR का मतलब क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका हिंदी का बात करें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि सबसे पहले सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरणें जाती है, तो अगर आपतन का कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा दिया जाए तब वह किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, और इस घटना को ही हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम लोगों ने फिगर भी ड्रॉ किया था कि अगर मान लिया कि एक कोई माध्यम है, दैट इज सघन माध्यम ऊपर और नीचे विरल माध्यम। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो हम लोग सीखे हैं कि सघन से विरल जाता है तो कहाँ जाता है, कहाँ मुड़ता है? अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो अब अभिलंब से दूर मुड़ता है, मान लिया जाए कि अभिलंब है, इससे दूर मुड़ता गया। लेकिन अगर मान लिया जाए क्रांतिक कोण से ज़्यादा, यानी आपतित जो किरण है, अब यहाँ पे कितना कहाँ मुड़ेगा? तो अपने ही माध्यम में। जब अपने ही माध्यम में मुड़ जाती है तब हम उस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR का अगर बात करें तो उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। तो हम लोगों ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके लिए जो शर्त था उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। चलिए हम लोग टॉपिक्स देते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोले तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक शर्तें। तो याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? TIR। तो TIR के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होंगी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। नंबर वन, प्रकाश किरणों प्रकाश किरणें लिखिएगा प्रकाश किरणें को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना होगा। प्रकाश किरणें को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर चलना होगा। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। जी हाँ, दो अब शर्त है। कोई पूछेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, तो हम लोग तो डेफिनेशन लिखे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतित जो किरण है उसका मान अगर क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है
तब हम उसको बोलते हैं, ज्यादा होता है क्रांति कोण से, तब वे किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोई पूछा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा, किस कंडीशन में होगा, इसके लिए शर्त क्या है, ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त जो है दो ठो है। पहला ये कि प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से ही विरल माध्यम जाना चाहिए। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन जाती है तब वहाँ पे कभी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। तो आप ही बिल्कुल याद रखिएगा कि TIR पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी हो पाएगा जब सघन से विरल माध्यम में चलेगा प्रकाश की किरणें। अगर विरल से सघन में आप चलाते हैं कोई प्रकाश की किरणें, और विरल का तो मतलब समझते हैं, विरल का मतलब पतला और सघन का मतलब घना, ठीक है। तो हम ये बता रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हमेशा किसी भी प्रकाश किरण को सघन से विरल जाना होगा, और दूसरा कि आपतन कोण का वैल्यू क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। अब देख लो, क्रांतिक कोण से ज़्यादा का मतलब ये हुआ कि क्रांतिक कोण से अगर ज़्यादा रहेगा, जैसे मान लिया कि एक किरण है, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, तो इस आपतन कोण से अगर क्रांतिक कोण का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तभी ना वो अपने माध्यम में लौटेगा, इसीलिए यहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा रखा जाता है। अब रावत सर क्रांतिक कोण समझ नहीं आया, इसका डिफाइन कर देते तो ठीक रहता। चलो आप लिख लो क्रांतिक कोण, एक छोटा सा टॉपिक्स है, पॉइंट है क्रांतिक कोण, इसके में एरो देंगे, क्रांतिक कोण में लिखेंगे क्रांतिक कोण का डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती हो, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती हो तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत के 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत के आपतन कोण को दोनों माध्यम के बीच के कोण को दोनों माध्यम के बीच के कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। देखिए क्या बोला कि क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल, चलिए इसका फिगर ही बना लीजिए, मान लिया कि कोई एक सघन माध्यम है, सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम, ठीक है। अब सघन माध्यम और विरल में यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब बना रहे हैं, ये क्या हुआ अभिलंब, ठीक है। तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब हम लोग एक क्या लिखें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो 90 डिग्री के अपवर्तन कोण के संगत, यानी कि अगर कोई 90 डिग्री, जैसे मान लिया कि यहाँ पे अगर कोई किरणें आती है तो अभिलंब सीधा नहीं जाकर थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ती है, उसी तरीके से यहाँ से अगर जाएगी तो थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ेगी होगा, यहाँ से अगर आएगी थोड़ा सा टेढ़ा मुड़ेगी। तो अगर दोस्तों यहाँ से आई और जहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना ली तब हम इसको बोलेंगे, देख लो यहाँ से आने वाले प्रकाश की किरणें हैं और यहाँ से अपवर्तन के बाद इधर गुजरने वाली है, तो देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का अक्ष था, अब इससे ये अपने ही सघन माध्यम से आया और सघन माध्यम में ही मुड़ गया, तब हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको IC, यानी ये हो गया हम लोगों को IC। IC का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, C मतलब
क्रिटिकल एंगल, इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, तो क्रांतिक कोण का मतलब कि 90 डिग्री होना चाहिए अपवर्तन और आपतित के बीच की किरण का कोण ना। चलिए अब हम लोग अपूर्णांतरिक परावर्तन के लिए शर्त को भी पढ़े, क्रांतिक कोण के भी बारे में पढ़ा। चलिए अब हम लोग टॉपिक्स बनाते हैं, क्रांतिक कोण और अपवर्तन के बीच क्या संबंध हो सकता है। तो टॉपिक लेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम लोग किससे सूचित करते हैं, आई सी। ठीक है, आई सी क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखिए, अपवर्तन और अपवर्तनांक में अंतर है। अपवर्तनांक में हम लोग पढ़े थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक के बीच संबंध, के बीच संबंध। ठीक है, चलिए तो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए उसके नीचे पहले फर्स्ट एरो देकर कुछ लिखा जाए, लिखा जाए माना कि माध्यम एक और माध्यम दो का अपवर्तनांक क्रमशः, माध्यम एक और माध्यम दो का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वन तथा म्यू टू है। म्यू लिखने आएगा ना, म्यू वन तथा म्यू टू, ऐसे यू लिखते हैं ना, इसके आगे ऐसे लिख देंगे म्यू वन म्यू टू, है ना। क्या लिखे, माना कि माध्यम एक और माध्यम टू दो का अपवर्तनांक क्रमशः म्यू वन तथा म्यू टू है। ठीक है, जिसमें माध्यम टू सघन माध्यम है तथा माध्यम वन विरल माध्यम है। माध्यम वन विरल है या विरल माध्यम है। चलिए हम यहाँ पे अगर बात करें तो दो माध्यम है, माध्यम वन और माध्यम टू, और दोनों का अपवर्तनांक कितना कितना है, म्यू वन तथा म्यू टू। ठीक है, और दोनों का म्यू वन और म्यू टू है। बोला जा रहा है कि माध्यम टू जो है वो सघन है और माध्यम वन क्या है, विरल है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक चीज फिगर बना सकते हैं कि ये माध्यम वन है, माध्यम वन, और ये माध्यम टू। माध्यम वन जो है विरल है, याद रखिएगा, और ये है सघन। ठीक है, ये विरल है और ये सघन है, और इसके बीच में हम अभी लंब दिखा दे रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ऊपर विरल है, नीचे सघन है, ऊपर माध्यम वन है, नीचे माध्यम टू है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, ऊपर वाला का म्यू वन है अपवर्तनांक, और इसका म्यू टू है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सघन से विरल जाते हैं, तो मान लिया जाए कि क्रांतिक कोण ये जा रहा है, और क्रांतिक कोण के एंगल को हम लोग आईसी से सूचित करते हैं, और यहाँ से ये तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनता है। तो कुल मिलाकर ये हम लोगों का क्रांतिक कोण गया और 90 डिग्री वाले एंगल पे मुड़ गया। ठीक है, यहाँ से ये गया कहाँ से कहाँ, तो सघन से विरल। हमेशा याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन से विरल जाता है।
प्रकाश किरणें सघन से कहाँ गई, विरल गई। अब हम लोग जानते हैं स्नेल के नियम पढ़े हैं ना आप लोग, स्नेल का नियम क्या बतलाता है, स्नेल का नियम बतलाता है कि साइन आई और साइन आर जो है एक नियतांक होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, फिगर बना लीजिएगा, लिख सकते हैं स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है, यह नियतांक हो गया। अब साइन आई और साइन आर जो है नियतांक हो गया हम लोगों का। दूसरी बात कि जब साइन आई और साइन आर अगर नियतांक हुआ, यही हुआ ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि साइन आई यानी कि साइन ये हो गया आपतन का कोण और ये हो गया परावर्तन का कोण। तो हम लोग नियतांक के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो म्यू टू यानी कि माध्यम टू का अपवर्तनांक और म्यू वन, ठीक है, यानी कि हम लोग ऐसा पुट कर सकते हैं जहाँ पे म्यू टू और म्यू वन क्या है, एक नियतांक है, यानी कि नियतांक जो है हम लोग म्यू टू बाई म्यू वन को मान लिए, ठीक है। अब जब हम इसको म्यू टू बाई म्यू वन मान लिए, अच्छा हम लोग तो आपतन कोण का मतलब समझ ही रहे हैं कि 90 डिग्री पे है, यानी कि साइन आई का वैल्यू कितना है हम लोगों का, आई का वैल्यू 90 डिग्री पे कर रहे हैं तब ना वो अपने ही माध्यम में मुड़ेगा, तो इसलिए हम लोग आई को हम लोग 90 दे रहे हैं और आर जो है वो हम लोगों को क्रिटिकल एंगल है आई सी, ठीक है, यानी कि हम आई के जगह पे 90 डिग्री रख रहे हैं और आर के जगह पे आई सी रख रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन 90 बटा साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन, ठीक है। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटा साइन आई सी बराबर म्यू टू बटा म्यू वन। तो इसलिए याद रखिएगा कि म्यू टू बटा म्यू वन यानी कि ये अपवर्तनांक हो गया और ये हो गया हम लोगों को क्रांति कोण, आई सी माने क्रांति कोण का हम लोग दोनों में रिलेशन निकालते हैं, 1 बटा साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू टू बटा म्यू वन। और देख लीजिए म्यू टू बटा म्यू वन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माध्यम एक के अपेक्षा माध्यम टू का अपवर्तनांक, माध्यम एक के अपेक्षा माध्यम दो का अपवर्तनांक, ठीक है, इसी को हम लोग 1-2 लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 μ 2, 1 μ 2 का मतलब ही हुआ, इसका मतलब हो गया म्यू टू बटा म्यू वन और बराबर इसका फार्मूला 1 बटा साइन आई सी। तो ये हम लोगों का मेन प्रूव्ड हो गया फार्मूला। तो याद रखिएगा कि अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मतलब म्यू टू म्यू वन और क्रांति कोण का मतलब साइन आई सी में यही संबंध होता है। तो दोस्त आज हम लोग संबंध को प्रूव किए, तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।